सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल कुकिंग विद स्वाति सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस डिजर्ट, जो है शाही टोस्ट। शाही टोस्ट दो अलग अलग डिशेज से मिलकर बना है। एक है हमारी अपनी इंडियन रबड़ी और दूसरा है ब्रेड, जिसका हम टोस्ट बनाएंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी चीनी, जो लगभग 200 ग्राम है, पिसी हुई इलायची और 1 कप पानी। हमने इंडक्शन ऑन कर दिया है और इसकी सेटिंग को मीडियम पे कर रखा है। तो अब पानी और चीनी डाल के पकने के लिए रख देंगे और इसे अब हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमने इंडक्शन यूज़ किया है तो हमने मीडियम सेटिंग पे सेट कर रखा है, और आप यदि गैस यूज़ करते हैं तो आप मीडियम फ्लेम का ही यूज़ करें। ये देखिए, चीनी पूरी तरह से घुल गई है और इसमें उबाल भी आने लगा है। अभी इसे हमें और पकाना है जब तक चाशनी गाढ़ी ना हो जाए, और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, चाशनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसे अभी हमें बस 1-2 मिनट और पकाना है और उसके बाद चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। तो चाशनी हमारी पकने ही वाली है, तो इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई इलायची डाल देंगे, क्योंकि इलायची की खुशबू किसी भी डिश को बहुत ही स्वादिष्ट बना देती है। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। चाशनी पक गई है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम अपनी दोनों उंगलियों की सहायता से देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। तो अब हम चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक तार की चाशनी बनने लगी है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा, तब तक हम अपनी रबड़ी तैयार कर ले रहे हैं। शाही टोस्ट बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध और उसे पैन में पकने के लिए रख दिया है। इसे भी मैं बराबर चलाती रहूंगी, जिससे दूध तली में चिपके नहीं, क्योंकि दूध बहुत जल्दी तली में चिपकने लगता है। ये देखिए, दूध गाढ़ा हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी रबड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई इलायची डाल देंगे, इससे रबड़ी का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा सा चला देंगे। अब हम इसमें अलग अलग तरह के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट्स के हमारी जो रबड़ी है वो शाही हो ही नहीं सकती। तो इसमें हम अच्छी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, अब हमारी रबड़ी बनके तैयार है और इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा, तब तक हम अपने टोस्ट तैयार कर लेते हैं। टोस्ट के लिए हमने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं और इसके ब्राउन पार्ट को हमने हटा लिया है। इस ब्राउन पार्ट को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, इसे मैं दूसरे डिशेज जैसे ब्रेड पोहा या कटलेट जैसी चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ।
यदि आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम इसको ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। मैंने ट्रायंगल शेप में काटा हुआ है, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकती हैं जो आपको पसंद हो। तो ये हमने ट्रायंगल शेप दिया है। धीमी आंच पे मैंने पैन को चढ़ा दिया है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। हम यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस को शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसमें कम घी डाल के इसे टोस्ट कर सकती हैं। और हमने लो फ्लेम में ही सारे ब्रेड के स्लाइस को फ्राई किया है। हम ब्रेड को तभी पलटेंगे जब नीचे की परत थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी। तो ब्रेड दोनों तरफ अच्छे से सिक चुके हैं। इसका ब्राउन कलर और इसकी क्रंचनेस दोनों परफेक्ट है। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने बराबर से सेका है। तो अब हमारी टोस्ट बनके तैयार है। इसी तरह हम सारे अपने ब्रेड के स्लाइस जितने भी हमने कट किए हैं उन सबको हम टोस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने और भी ब्रेड टोस्ट कर लिए हैं, ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कलर भी देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। तो सारे टोस्ट हम एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। और गार्निश के लिए हमने लिया रबड़ी, किशमिश, काजू, बादाम, पिसी हुई इलायची, केसर वाला दूध और जो ब्रेड अभी हमने टोस्ट किए हैं वो, और चाशनी। तो गार्निश के लिए सारी चीज़ें तैयार हैं। तो अब हम अपने शाही टोस्ट को तैयार करते हैं। तो अब हम अपने टोस्ट को एक एक करके चाशनी में डिप कर लेंगे और प्लेट में निकाल के रख लेंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाशनी गर्म नहीं होनी चाहिए, ठंडी करके हमें उसे डिप करना है। और दूसरी चीज़, हमें बहुत देर तक अपने टोस्ट को चाशनी में डिप करके नहीं रखना है, वरना हमारे जो टोस्ट हैं वो लूज़ हो जाएंगे। अगर आप डायबिटिक हैं या शुगर को लेके हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप चाशनी की जगह हनी यूज़ कर सकते हैं, शर्ते आप चाशनी की तरह डिप आपको नहीं करना है, आपको बटर की तरह हनी को स्प्रेड करना है। तो ये हनी भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, चाशनी की जगह आप हनी यूज़ कर सकते हैं। हमारे टोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम सबसे पहले रबड़ी यूज़ करेंगे। तो रबड़ी को हम एक एक करके सारे टोस्ट पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद हम नट्स और बाकी चीज़ों का यूज़ करेंगे। जब किसी डिश की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
इस डेज़र्ट को आप घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दें कि आपको यह डिश कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।